वहीं पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके द्वारा किए जा रहे काम को लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। अनिल बलूनी ने वीरभद्र माधो सिंह भंडारी की भूमि मलेथा में उनके स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित सोशल मीडिया सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो गढ़वाल के लोगों की भलाई के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। इस संकल्प के साथ आज मैंने वहाँ प्रणाम भी किया। मैं अपना जो गढ़वाल की जनता के लिए जो विकास की बात है, उनके लिए रोजी रोटी की बात है, उनके लिए जो पलायन की बात है और विकसित गढ़वाल की बात है, इसी में लगा रहूँगा। ये लोग मुझे दिग्भ्रमित करना चाहेंगे, मैं बिल्कुल नहीं होने वाला हूँ। केवल यहाँ के जो उत्तराखंड के गढ़वाल के लोग हैं, ये हमारे देवी देव हैं, इनके भले के लिए सोचूंगा। ये मुझे किसी सवाल में उलझाएंगे मैं बिल्कुल नहीं उलझूंगा। गढ़वाल के भला, गढ़वाल का भला और इसी के लिए सोचूंगा। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास जनता और क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना और विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उनके विचार ही कुछ सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जनता का उत्साह मेरे साथ जो आपको दिख रहा है वो आपके सामने है, वो इस उम्मीद में है कि उनके केंद्रीय नेता आकर उनकी नैया पार लगाएंगे। लेकिन गढ़वाल की जनता बहुत समय से इस बात को महसूस कर रही है कि उनका सांसद वो होना चाहिए जो अपने पैर पर स्वयं खड़ा हो सके। बैसाखियों के सहारे खड़े होकर दूसरे नेताओं के भरोसे अपनी नैया पार लगाने वाले की मंशा रखने वाले, मैं समझता हूं कि गढ़वाल की जनता के सांसद बनने के योग्य नहीं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीर सिंह बिष्ट ने कहा कि जनता भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। हमारे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, लाइन का मुद्दा है। मैं पूर्व भी कह चुका हूं कि बेरोजगारी युवा, हमारे जितने युवा बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है। कहीं भी किसी भी विभाग में जब कोई सेवानिवृत्त होता है तो वो पद उसी के साथ लुप्त हो जाता है, उस पर दोबारा नियुक्ति नहीं होती है।